उस्मान उस्मान पहले एक पिक्चर यहाँ पे अरे बच्चों का भेज ना I think done. Usman, just a second. Just one. Let it go. Okay. 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 आयुष्मान सामने यहाँ पे भाई थे भी आयुष्मान यहाँ पे आयुष्मान सामने अरे भाई रुक एक बार अरे रुक ना भाई रुक आयुष्मान यहाँ पे आजा भाई आजा दोस्ती हो जाए उसका नाम गुरमीत बन जाता है गुरमीत चौधरी आइए पहले आप इसे बनाए गुरमीत जी जोरदार तालियों से गुरमीत जी को मैं इनवाइट करना चाहता हूं गुरमीत जी गुरमीत जी को आपने कई टेलीविजन प्रोग्राम्स में देखा है खासतौर से जब ये झलक दिखला जब पांच के विनर रहे हैं जहां डांस किया होगा सर आपसे करवाओ का आपने देखा है सर देखा है रामायण में राम लॉर्ड विष्णु का आपने कैरेक्टर निभाया है गीत जो इसमें हुई सबसे पराई उसमें पुनर्विवाह में देखा है नच बनिए श्रीमान वर्सेस श्रीमती में नच बनिए सिक्स में फियर फैक्टर यानी खतरों के खिलाड़ी यानी ये खतरों से भी खेलते हैं मदद भी करते हैं डांस भी करते हैं और अभी अभी हाल में महेश भट्ट जी ने इनको साइन किया है फिल्म के लिए काम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं इनको बड़ी फिल्म पर देखने के लिए और हो सकता है अगले साल जब आए तो इन बड़े पर्दे पर इनकी फिल्म देखने आता है तो कपना जी पहले हम इनको आना करेंगे फिर इनसे दो शब्द करेंगे यस गुरु भी है गुरुमिया और चौधरी है गुरमीत चौधरी और आपकी सीता जी कहाँ है सीता जी बनवास में गई है बनवास से मैं ले आया हूँ वो सूर पे गई हुई है ओके वो भी बनवासी है क्या बात सही बात है वो अलग तरह का बनवास होता है जब शूटिंग पर जाती है सीता जी तो गुरमीत जी आपसे मैं How was your experience over there in that, you know, itne sare ek mic aur denge chhota क्या बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है सपना जी ने खतरों के खिलाड़ी में इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा जो टेलीविजन पर दिखाते हैं क्या वो सच में वैसा ही होता है राइट सर बिल्कुल वैसा होता है अगर चोट लग गया तो सारी कैमरा एकदम आ जाते हैं पास में और उनको चाहिए कि चोट लग जाए तो पीआरपी मिल जाती है सही बात है यानी वो चाहते कि चोट लगे पर हम चाहते कि आपको चोट ना लगे बिल्कुल चोट कोशिश हम सबने यही की चोट ना लगे और एक अच्छा शो बनाया जाए और खतरों के खिलाड़ी में मुझे लगता है कि फियर फैक्टर है और उसका बचपन से मैं फैन रहा हूँ और एक्शन कहीं ना कहीं मैं करता रहा हूँ तो मुझे जैसे ही मौका मिला तो मैंने वैसे ही खतरों के खिलाड़ी में मैं शूट के लिए चला गया जब आपने पंखे लगाए अब झलक जीत गया हूँ तो देवीना ने कहा कि नच बलिए मेरे साथ करना ही होगा एंड मुझे लगा कि देवीना के लिए और देवीना को डांस बहुत पसंद है तो उनके लिए नच बलिए मैंने किया क्या बात है देवीना के लिए किया और ये हमारे लिए किया सर आपने ये सब देवीना और देवीना का बैठे हैं आप ये दो तालियों में बैठे हैं
चौबीस तेरह साल हूँ, ये पहला साल नहीं रहा और अभी मैंने मुझे सुनने में आया कि 11 साल हो गया है। ग्यारह साल हो गए, मुझे लगता है कि अभी जितने भी साल हर साल मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ। मुझे बहुत क्या बात है, ये प्रॉमिस है इनका, अगले साल यहाँ पर मिलेंगे भाई का, बच्चे मेरे टेलीफोन नंबर मैं लेके रखूंगा। ओके बिल्कुल, और हर साल मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके, और अभी खत्म होने के बाद आप सबसे मैं मिलना भी चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच जर्नी जी, आप कैसे बच्चे, हम दूसरे आर्टिस्ट जो हम आप कहीं इसे पर रहिएगा और उनको भी आपने झलक दिखला जा दो में देखा है, झलक दिखला जा तीन में देखा है, नच बलिए में देखा है और कुसुम में अभय कपूर की शक्ल में देखा है, जिनकी पिक्चर फैशन 2008 में जिन्होंने कार्तिक रूप में अपीयरेंस जो गाना था ना इश्क समंदर, क्या बात है उसमें, और 10 कहानियां उसमें इन्होंने देव उबारे और शुक्र अपने लोखंड वाले में, हाँ वो खासा फटू वो भी नौ बड़ी खटू वो भूल नहीं सकता है, ऐसे डाइवर्सिफाइड वर्सेटाइल एक्टर हमारे बीच में है रोहित रॉय जी, क्या कर रहे हैं रोहित रॉय प्लीज। रोहित भाई सपने जी, हम पहले इनका सम्मान करना चाहते हैं, सम्मान दिल से है सर, ये जो शॉल पहनने जाती है, बच्चों में आपको और पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ, जब हम किसी को शॉल देते हैं ये करते हैं ना, इसमें मतलब अपनी प्यार की भावना से हम उनको लपेट लेते हैं, आलिंगन कर लेते हैं, इस शॉल में आप सबका प्यार छिपा हुआ है, तभी तो हम उनको बुलाते हैं। दरअसल मैं गोविंद साहब ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ बुलाकर ही आप लोगों ने हमारा सम्मान किया, गुरदीप एंड आयुष्मान मैंने हमेशा ये समझा है जितनी भी जिंदगी जी अभी तक के देयर शुड बी लाइफ इन योर लाइफ, इट डजंट मैटर हाउ लॉन्ग और शॉर्ट इट इज, एंड जस्ट टू बी पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ इज ग्रेट, टेलीविजन और फिल्मों में बहुत सारी चीजें की लेकिन यहाँ आके एक्चुअली आई एम फीलिंग हम्बल्ड एंड वेरी 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 हैप्पी दैट आई गेट टू स्पेंड वन ऑफ माय सन्स विद ऑल ऑफ यू, एंड कांग्रेचुलेशंस गोविंद साहब, यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब सर, आपकी आवाज सुन के एक जिंदगी हाँ शुरू हो जाती है, थैंक यू वेरी मच भाई, थैंक यू मैम। गुरदीप भाव भी कह चुके हैं तो गुरदीप मेरे बड़े भाई की तरह तो अगले साल भी यहाँ जरूर आऊँ और अगर रिश्वत में चाह तो मैं जरूर आऊँगा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आप कुछ अपने कुछ एक्सपीरियंस ऐसा बताना था जो बच्चों को इंस्पायर करे, जैसे उन्होंने कि खतरों के खिलाड़ी में फियर फैक्टर था कि बच्चों को डरना नहीं चाहिए पर कॉशियस रहना चाहिए, आप उसको मेटल के लिए घर में जो फियर फैक्टर आप देखते हैं वो ट्रेट है, आप हमेशा कोई मन में कोई डर नहीं रहना चाहिए पर हमेशा सावधानी जरूर। मैं ये नहीं जानता कि मेरी कहानी आपको इंस्पायर करेगी कि नहीं, लेकिन मैंने एक बात है जो ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, इन्होंने जो पटनों के खिलाड़ी में अभी हिस्सा लिया है जो अभी चल रहा है, मैंने उसी ओरिजिनल फियर फैक्टर में हिस्सा लिया था कई साल पहले, which was produced out of Australia and we shot in Malaysia, लेकिन कहानी बड़ी फनी है, पहले ही राउंड में पहला नंबर मेरा था और मुझे पानी से डर लगता है और अभी अभी भी एक्शन में मेरा नाम हमेशा बंद रहता है और मेरा पहला स्टंट था उल्टे लटक के पानी में डुबकी मारना, तो आई थिंक कुछ 4 सेकंड में बाहर आ गया था और उसी के साथ मेरा जोर फैक्टर का सफर भी खत्म हो गया था, लेकिन इसमें समझ नहीं है कि जो भी है कोशिश करनी चाहिए, जिस चीज से भी डर लगता है आपको ट्राई सरपास इट, ट्राई सराउंड इट, और बाकी तो आप लोग इतने इंस्पायरिंग लोग हैं कि मैं यहाँ आके इंस्पायर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।
Thank you very much. Thank you very much. और बैठिए प्लीज पीछे बैठिएगा. बात पानी है, पर कुछ लोग ऐसे हैं, एक आर्टिस्ट ऐसे भी हैं जो पानी में कई रंग देखते हैं, अपनी आवाज के जरिए रंग देखते हैं. उनके बारे में हम किसी को जो कहते हैं ना, किसी बड़े का आशीर्वाद लेते हैं तो क्या कहते हैं, आयुष्मान भाव. उम्र बड़ी हो पर उसके साथ ईश्वर जब ऐसे कुछ लोगों को धरती पर भेजता है तो कुछ ऐसे गुण और दे देता है कि अपनी कला के माध्यम से वो समाज की सेवा कर सके, दूसरों को खुशी दे सके. एक आर्टिस्ट जानता है